स्टूडेंट्स वी शैल डू दिस थर्ड क्वेश्चन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन. इवैल्यूएट 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टैन एक्स डीएक्स. तो सर कैसे करेंगे, देखो 0 टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टैन एक्स. सर कैसे करना, सर देखो ऐसा एक सम हमने किया था स्टूडेंट पहले, तो उसमें a जो था b था, तो हमने a प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया था x के जगह पे, ये x के जगह पे. यहाँ पे a जीरो है, b पाई बाई फोर है, तो अगर a प्लस बी करूंगा तो जीरो प्लस पाई बाई फोर ही होगा. तो लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला तो कोट करना पड़ता. अगर ये जीरो टू a है तो एक और एक फॉर्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू a f ऑफ x dx is equal to f of a minus x integration of f of a minus x dx. हाँ, a same होता 0 to a, a plus b minus x और 0 to a same होता, लेकिन ये भी एक formula है, तो अपन ये वाला quote कर देना इधर, क्यों तो 0 है बोल के. ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखो. तो integration of इसको i लेके start करना student, let 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus x dx. ठीक है ना. अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है tan, ट्रिग्नोमेट्री से pi by 4 minus theta is equal to 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. करेक्ट, 1 माइनस बाई 1 प्लस, ये माइनस है, तो 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा. तो 1 माइनस टैन थीटा बाई 1, सर माइनस ऊपर क्यों सर. देखो स्टूडेंट्स ये a माइनस बी फॉर्मूला है, टैन a माइनस टैन b, तो टैन a बोल दो टैन 45 इज 1, तो टैन a माइनस टैन b बाई 1 प्लस टैन a टैन b, तो टैन a बोल दो टैन पाई बाई 4 वो 1 है, इसलिए 1 प्लस टैन थीटा बनता नीचे. तो ये फॉर्मूला है, उसको अपन यहाँ पे लगाएंगे. तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा, और हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स अंदर. सो इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टैन थीटा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस टैन थीटा बाय 1 प्लस टैन थीटा dx. तो टैन थीटा गया, 1 प्लस 1 2 आया, इंटीग्रेशन ऑफ अभी तक कुछ किए क्या, अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए ना, क्या 0 टू पाई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं किए राइट. So log 2 by 1 plus tan theta. Okay, यहां तक समझ में आया सर. अब क्या करना, log a by b formula. log a by b formula is log a minus log b. So वो formula से students is equal to integration of 0 to pi by 4 log a यानी 2 माइनस लॉग बी यानी 1 प्लस टैन थीटा, लॉग ए माइनस लॉग बी लगाए. ओके सर, फिर सर क्या करना सर. ओके अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया 1 डीएक्स. ओके ना, तो यहां देखो बाहर आ गया. अब ये जो क्वेश्चन बचा, ये जो मैं अलग कर रहा हूं, अब 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टैन थीटा था कि नहीं था एक बार देखो, वो x है ना, मैं वही जब से कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, मैं ये x है स्टूडेंट, थीटा नहीं है, वो फॉर्मूला में थीटा था, ये x है थीटा नहीं है. ओके ना,
प्लस टेन एक्स, वही देख रहा हूँ एक्स टर्म नहीं है, कैसे नहीं है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आई है, देखो स्टूडेंट आई, वो तो ये जो मैं अंडरलाइन किया ये क्वेश्चन था, ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया इधर, तो ये आई बन गया, तो ये माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लॉग टू इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना है एक्स जीरो टू पाई बाई फोर, और ये बना माइनस आई, माइनस आई लेफ्ट में गया तो टू आई लॉग टू, और एक्स की जगह वो तो अपर यानी पाई बाई फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस लगा के जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर लॉग टू, पाई बाई फोर लॉग टू, टू नीचे आएगा तो आई इज इक्वल टू पाई बाई एट लॉग टू, ये आई, आई बोलते क्वेश्चन का आंसर आया स्टूडेंट, ये आई क्यों बना समझ में ना, जो मैं अंडरलाइन किया था वो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो आई था, ये वाला log 1 plus tan x तो उसके जगह पे मैंने i लिखा, तो माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड गया तो 2i बना, फिर 2 डिवाइड में आया पाई बाई 8 log 2 आंसर आया स्टूडेंट इसका, ठीक है, थैंक यू।